नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है एक नए वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी स्वस्थ होंगे, घर पर होंगे। आज का पहला प्रश्न है, ओल्ड ग्लोरी इनमें से किसका निकनेम है? ए स्कॉटलैंड फ्लैग यानी स्कॉटलैंड का झंडा, बी यूके का झंडा, सी कनाडा का झंडा और डी यूएसए के झंडा यानी अमेरिका के झंडा। इसके आंसर होंगे डी यूएसए के झंडा, इसको ओल्ड ग्लोरी कहते हैं। अगला प्रश्न, आरोग्य सेतु ऐप में आप इनमें से किसका चित्र देखेंगे? ए दिल दिल का, बी तीर का, सी डॉक्टर का, डी नर्स का। इसके आंसर होंगे दिल का। इस प्रकार जो आरोग्य सेतु ऐप है उसका लोगो इस तरह का दिखेगा। मित्र ओरिजिनल चित्र मैंने इसलिए नहीं लिया कि ऐप से अगर इस प्रकार चित्र लेते हैं तो कॉपीराइट का उल्लंघन हो सकता है। पहले एक बार हमारे चैनल को स्ट्राइक लग चुका था। प्रश्न, इनमें से किस देश में कपड़ों पर समाचार पत्र छपते हैं? ए चीन, फ्रांस, सी स्पेन, डी पोलैंड। स्पेन स्पेन में छपते हैं, वहाँ पेपर बनाने के लिए जो मटेरियल है वो नहीं मिलता है, इस वजह से कपड़ों में छापा जाता है और कपड़ों को फिर धो करके फिर नया छापा जाता है। अगला प्रश्न है, इनमें से किस पक्षी को हेलीकॉप्टर बर्ड भी कहा जाता है? ए ईगल, बी तोता, सी गरैया, डी हमिंग बर्ड। इस प्रकार के इंटरेस्टिंग क्वेश्चन केबीसी में पूछे जाते हैं। इसका आंसर होंगे डी हमिंग बर्ड। हमिंग बर्ड को हेलीकॉप्टर बर्ड भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, इनमें से किन दो मुगल शासकों ने अपनी आत्मकथा स्वयं लिखे हैं? ए बाबर एवं हुमायूं, बी अकबर एवं औरंगजेब, सी जहांगीर एवं बाबर, डी शाहजहां एवं हुमायूं। कैंसर होंगे जहांगीर एवं बाबर। जहांगीर ने तुजू के जहांगीरी खुद लिखे थे, बाबर ने बाबर नामा यानी तुजू के बाबरी खुद लिखे थे, हुमायूं नामा गुलबदन बेगम में बेगम ने लिखी थी जो कि उनका सौतेली बहन थी। और इस पे केबीसी में ये एक प्रश्न बन चुका है। अकबर का अकबर नामा अबुल फजल लिखे हैं और शाहजहाँ का शाहजहाँ नामा इनायत खान ने लिखे हैं। मित्र वीडियो अच्छा लगे कमेंट कीजिएगा और लाइक जरूर दीजिएगा। देखेंगे अगला प्रश्न, पांडिचेरी यानी पुदुचेरी कब भारत का भाग बना था, अंग बना था? ए 1961, बी 1962, सी 1963, डी 1964। अगर आपको आंसर आता हो कमेंट में लिख सकते हैं। इसका आंसर होंगे 1962। 1962 में ये पहले फ्रांस के अधिकार में था और आज़ादी के बाद 16 अगस्त 1962 को इसका हस्तांतरण किया गया था, भारत में मिला गया था। अगला प्रश्न, ISBN में के पूरा नाम में बी से कौन सा शब्द आएगा? ए बिजनेस, बी बुक, सी बॉन्ड, डी बैच। इसके आंसर होंगे बुक। मित्र जो वीडियो 146 नंबर का वीडियो था उसमें थोड़ी सी सुधार करना होगा। जो प्रश्न था, इनमें से किस स्थान टैगोर ने पहली बार किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में स्वयं जनगण मन गाया था? इसका आंसर डी था। और तो इसमें सुधार क्या करना है, क्वेश्चन के शुरू में बंगाल के बाहर जोड़ देना है। तो मुझे दुख है इस बात का, छूट गया था। और वीडियो नंबर 147 में जो मैंने मुकेश अंबानी का जो फोर्ब्स द्वारा अमीरों की सूची जारी की गई थी उसमें मुकेश अंबानी का 21वां स्थान, ये मैंने दो पेपर में देखने के बाद ही बताया था, लेकिन नेट पर फिर देखे एक सब्सक्राइबर ने भी बताया था कि 17वां स्थान है। 17वां स्थान मैंने फिर नेट पे देखा भी था, लेकिन बाद में फिर 19वां स्थान भी आया, यानी कि शायद संपत्ति बढ़ रहा होगा और स्थान बदल जा रहा होगा।
17वां स्थान भी देखे मैंने, और पेपर में जैसे अभी आपने देखा कि 21वां स्थान था, तो इसलिए इस पे विचार आप लोग अपने से करें। अगला प्रश्न देखेंगे, 2022 के एशियाई खेलों के लिए इनमें से किस खेल को दोबारा शामिल किया गया है? ए नौकायन, बी क्रिकेट, सी बैडमिंटन, डी फुटबॉल। 2022 के एशियाई खेलों में इसका आंसर होंगे क्रिकेट। क्रिकेट को दोबारा शामिल किया गया है, पहले 2010 में और 2014 में शामिल किया गया था, लेकिन फिर बंद भी कर दिया गया था, तो दोबारा उसे 2022 में शामिल कर लिया गया। अगला प्रश्न, बीसीसीआई ने जुलाई 2019 में किस केंद्र शासित प्रदेश की क्रिकेट टीम को मान्यता दी थी? ए चंडीगढ़ चंडीगढ़, बी अंडमान और निकोबार, सी लक्षद्वीप, डी पुदुचेरी। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बीसीसीआई ने जुलाई 2019 में किस केंद्र शासित प्रदेश को क्रिकेट टीम की मान्यता दी थी, क्रिकेट टीम को मान्यता दी थी? इसका आंसर होगा चंडीगढ़, यानी कि अब चंडीगढ़ की टीम में रणजी ट्रॉफी में खेल सकेंगे। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी अपने जीवन काल में एक बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष बने थे वो कहाँ पर बने थे? ए कोलकाता, बी इलाहाबाद, सी बेलगांव, डी कर्नाटक, सॉरी मद्रास, डी मद्रास। इसके आंसर होंगे सी बेलगांव। बेलगांव में जो अधिवेशन हुआ था वहाँ पर उनको अध्यक्ष बनाया गया था। अगला प्रश्न, गोवा की राजभाषा क्या है? ए मराठी, बी कोंकणी, सी मलयालम, डी कन्नड़। इसका आंसर होगा बी कोंकणी। कोंकणी गोवा की राजभाषा। अगला प्रश्न, कौन सी कंपनी भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य प्रायोजक है, स्पॉन्सर है, मेन स्पॉन्सर? ए अमूल, बी बायजूस, सी पेप्सी, डी वीवो। इसके आंसर हो जाएंगे बी बायजूस। बायजूस अभी मेन स्पॉन्सर है। अगला प्रश्न, राजगुरु जिनको 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी, उनका पूरा नाम क्या था? ए शिवराम राजगुरु, बी संजय राजगुरु, सी शिव कुमार राजगुरु, डी राम कुमार राजगुरु। मित्र वीडियो अच्छा लगे शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों में, लाइक तो जरूर दे दीजिए। तो इसका आंसर होगा ए शिवराम राजगुरु। अगला प्रश्न भी इसी से है, सुखदेव जिनको 23 मार्च 1931 को फांसी की सजा दी गई थी, उनका पूरा नाम क्या है? ये सुखदेव थापर, बी सुखदेव सिंह ढींगरा, सी सुखदेव सिंह ढिल्लो, डी सुखदेव सिंह सिद्धू। इसका आंसर हो जाएंगे ए सुखदेव थापर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1951 में हुए एशियाई खेल में पदक पाने वाले प्रथम प्रतियोगी कौन था या थी? प्रथम प्रतियोगी, पहला जिनको पदक मिला था। ए एन सी कॉक सिंगापुर की, बी लियू चंग चाइना की, सी कोजी आइतो जापान, डी सुई सुशांति इंडोनेशिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर होंगे एन सी कॉक सिंगापुर। ये 1500 मीटर के फ्री स्टाइल स्विमिंग में गोल्ड मेडल जीती थी, पदक जीती थी, और चार अन्य फ्री स्टाइल प्रतिस्पर्धा में भी चार गोल्ड और जीती थी। अगला प्रश्न है, डोपिंग टेस्ट में असफल होने के बाद बीसीसीआई ने क्रिकेटर पृथ्वी शॉ को कितने महीनों के लिए क्रिकेट से सस्पेंड कर दिया था? पिछला साल का है ये। ए 12 महीना, बी 8 महीना, सी 6 महीना, डी 14 महीना। इसके आंसर होंगे 8 महीना।
8 महीने के लिए सस्पेंड। 16 मार्च से 15 नवंबर 2019 तक सस्पेंड किया गया था, जो अब समाप्त हो चुका है। 19 की घटना है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा विश्वविद्यालय ने सबसे ज़्यादा नोबेल प्राइज विजेता दिए हैं? ए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, बी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, सी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, डी येल यूनिवर्सिटी। मित्र वीडियो के बारे में अपना राय जरूर दीजिएगा। तो इसका आंसर हो जाएंगे बी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। सबसे ज़्यादा नोबेल प्राइज विनर इनमें से इस यूनिवर्सिटी से है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से 151, बाकी सब में इससे कम है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रेड स्क्वायर जो जगह है वो कहाँ अवस्थित है, कहाँ है? ए पेरिस, बी बर्लिन, सी न्यूयॉर्क, डी मॉस्को। इसके आंसर हो जाएंगे डी मॉस्को, रेड स्क्वायर मॉस्को में है। मित्र आप सब ने सब्सक्राइब किए हैं, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और जो नए मित्र हैं उनके लिए मैं कहूँगा, तो दोस्तों अगर आप भी हमारे साथ केबीसी की तैयारी करना चाहते हैं तो जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। इसके लिए जो लाल बटन है सब्सक्राइब का उसको प्रेस कर दे, और उसमें जो ऑल नोटिफिकेशन है सबसे ऊपर वाला घंटी उसको भी प्रेस कर दे, जरूरी है। तो इससे हमारे वीडियो आप तक फ्री में पहुंचते रहेंगे और तैयारी करते रहे केबीसी का। धन्यवाद।